देसी दलिया और विदेशी ओट्स, इसमें कितना है दम और कौन है न्यूट्रिशन का बोस। आज हम यही जानने वाले हैं कि जो देसी दलिया जो हम बरसों से खाते आ रहे हैं और विदेशी ओट्स जो आजकल फिटनेस के लिए बेस्ट माना जाता है, इन दोनों में से बेटर कौन सा है। कई लोग कहते हैं कि ओट्स खाओ जिससे वेट लूज हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो सच्चाई क्या है, पूछता है भारत। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चल जाए। Hi, I'm Neha and welcome to the channel Living Bright. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओट्स और दलिया के बारे में। दलिया जो है वो भारत में ही बनता है, इंडियन फूड कहा जाता है, और जो ओट्स है उसे इंपोर्ट किया जाता है, ये यहाँ पे नहीं बनता है। और इसीलिए ओट्स में कई टाइप आते हैं, ओट्स के भी खेत होते हैं जैसे हमारे गेहूं के खेत होते हैं। ओट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रॉ ओट्स होते हैं जिसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे दलिया पकाने में हमें 15 से 20 मिनट लगती है, वैसे रॉ ओट्स को पकाने के लिए भी इतना ही टाइम लगता है। पर आजकल स्टील कट ओट्स भी मिलते हैं जो सिर्फ 2 मिनट पे झटपट मैगी की तरह बन जाते हैं। तो हमें मैगी नहीं खानी है, ओट्स ही खाने हैं। पर अगर स्टील कट लेते हैं तो प्राइस में थोड़े महंगे पड़ते हैं पर जल्दी से बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम कौन सा ओट्स खाएं, हम रो ओट्स खाएं या फिर स्टील कट खाएं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो रो ओट्स लेकर आइए, उसे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप स्टील कट ओट्स लेते हैं तो उसे पकाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जिसे झटपट बनाना है नाश्ता वो लोग स्टील कट लेकर आइए। पर जो भी ओट्स लेकर आइए प्लेन लेकर आइए, फ्लेवर वाले ओट्स बिल्कुल यूज मत कीजिए क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर्स ये सब डाला हुआ होता है। और जो मसाला ओट्स आते हैं उसे तो अवॉइड ही कीजिए। अब बात करें दलिया की, तो गेहूं को छोटे छोटे टुकड़ों में दलकर जो बनता है उसे कहते हैं दलिया। दलिया भी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है, ये इंडिया में ही बनता है और बरसों से हम खाते आ रहे हैं। दलिया जो है वो गेहूं के आटे से बेटर इसलिए माना जाता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखता है, डाइजेशन जल्दी से हो जाता है इसका, और साथ में इसमें पोषक तत्व भी बने रहते हैं, ज्यादा पोषक तत्व हमें मिलते हैं, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू जो हम गेहूं का आटा यूज करते हैं उससे। तो चलिए अब न्यूट्रिशन की कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ ओट्स लेते हैं और 100 ग्राम ऑफ दलिया लेते हैं तो इन दोनों में किसमें से हमें क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ ओट्स के अंदर हमें कैलोरीज मिलती है 360 और देसी दलिया जो 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें से कैलोरी मिलती है 350, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर प्रोटीन की बात करें तो ओट्स के अंदर प्रोटीन मिलता है 12 ग्राम और देसी दलिया 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें से भी प्रोटीन मिलता है 12 ग्राम, मतलब प्रोटीन इंटेक भी सेम है। अगर कार्ब्स की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, तो ओट्स के अंदर 100 ग्राम में हमें कार्ब्स मिलता है 60 ग्राम और देसी दलिया में हमें कार्ब्स मिलता है 70 ग्राम, मतलब दलिया में हमें कार्ब्स ज्यादा मिलता है। और ओट्स में अगर फैट की बात की जाए तो ओट्स से हमें फैट मिलती है 6 ग्राम और देसी दलिया से हमें फैट मिलती है 2 ग्राम, मतलब कि दलिया में फैट कम होती है पर कार्ब्स ज्यादा होता है और ओट्स में कार्ब्स कम होता है पर फैट थोड़ी सी ज्यादा होती है। पर अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। तो अगर आप इन दोनों के ऑप्शन में कोई भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मतलब ओट्स खाओ या दलिया खाओ, दोनों में न्यूट्रिशन तो बराबर मात्रा में ही मिलते हैं। पर अब क्वेश्चन आपको हो रहा होगा तो हम कौन सा चूज करें। रुको जरा, सब्र करो। तो ओट्स और दलिया दोनों में फाइबर तो सेम टू सेम मिलता है, सारे न्यूट्रिशन भी ऑलमोस्ट सेम है। पर बात आती है जहाँ पे ग्लूटेन की, वहाँ पे जो दलिया है वो मार खा जाता है। कई लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम रहती है। और ग्लूटेन जो है वो क्या होता है, जब हम गेहूं का आटा गूंथते हैं तो गेहूं के अंदर होता है ग्लूटेन, जिससे वो इलास्टिसिटी होती है ना आटे में, वो ग्लूटेन की वजह से आती है। तो ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, ओट्स इज ग्लूटेन फ्री। और अगर आप गेहूं की बात करें, क्योंकि गेहूं से ही तो दलिया बनता है, तो इसमें हमें ग्लूटेन मिलता है। तो अगर आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो आप ओट्स चूज कर सकते हैं। तो ओट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री है और इसीलिए ये डाइजेशन में इजी रहता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आप स्टील कट ओट्स लेते हैं तो ये जल्दी से बन भी जाता है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। पर दलिया बनाने में आपको 15 से 20 मिनट एटलीस्ट लगते हैं। तो जल्दी से बनता है, इजीली बनता है और डाइजेशन में भी ठीक है, तो ओट्स का पलड़ा यहीं पे भारी हो जाता है।
दोनों को सेम तरीके से पकाया जाता है और दोनों में कैलोरीज जो है वो मीडियम रहती है, ज्यादा कैलोरीज नहीं रहती है। तो अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप दलिया या फिर ओट्स दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओट्स और दलिया दोनों में से हमें विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इन सब की पूर्ति मात्रा मिल जाती है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज करें आपके लिए बेटर रहेगा। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आप ओट्स खाते हैं तो ये आपके लिए सही रहता है, आप दलिया खाते हैं तो सही नहीं रहता है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि दलिया जो है वो देसी प्रोडक्ट है, इंडिया में ही बनता है, और ओट्स जो है वो विदेश से आया हुआ है। अभी ओट्स जनरली सभी जगह मिल जाता है पर पहले इतना नहीं मिलता था। तो दलिया तो हम खाते ही थे पर ओट्स में जो है वो विटामिन और मिनरल्स आपको अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और डाइजेशन में इजी है, इसलिए आप इजीली इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। और बात की जाए वेट लॉस की, तो वेट लॉस में आप क्या खाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप दलिया खाएं या फिर ओट्स खाएं, दोनों में आपको न्यूट्रिशन तो सेम ही मिलते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कीजिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी कैलोरी इंटेक को आपको कम करना होगा, और अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो कैलोरी इंटेक को आपको बढ़ाना होगा। अब आप इसमें ओट्स खाएं या दलिया खाएं, दोनों में न्यूट्रिशन सेम है, तो कोई भी चूज कर लीजिए, सिंपल है बॉस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जो घंटी है ना उसे दबाएंगे ना तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और हेल्दी वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना जरूरी है। और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स से ही वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट के आंसर हमेशा करती हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। और ये लेटेस्ट वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ये कंपैरिजन वाला वीडियो, इसकी कंपैरिजन भी जाननी जरूरी है, ये भी देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।